अलवर श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने सोमवार को मोती डोंगरी स्थित अपने कार्यालय में जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान ग्रामीण क्षेत्र से व शहर से लोग अपनी अपनी परिवेदना लेकर मंत्री के समक्ष पहुंचे, जहां पर मंत्री ने उनकी परिवेदनाओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को उनकी समस्या निस्तारण करने के निर्देश दिए। वहीं मंत्री के कार्यालय में पंचायती राज चुनाव को लेकर टिकट लेने वाले दावेदारों की भीड़ देखी गई। पंचायत में जिला प्रमुख का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। इस दौरान मंत्री कार्यालय में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि पंचायत राज चुनाव को लेकर आज से नामांकन शुरू हो चुका है। 8 तक नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। कांग्रेस पार्टी ने सभी विधानसभा में चुनाव प्रभारी लगा दिए हैं और वह लगातार बैठक कर बायोडाटा एकत्रित करने में लगे हुए हैं। चुनाव में लगने वाले सभी पर्यवेक्षकों की बैठक श्रम राज्य मंत्री जूली व पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ले रहे हैं। उसके बाद आगे देखा जाएगा कि कौन पार्टी के लिए वफादार है और कौन पार्टी का वर्कर है, उसी को पार्टी टिकट देगी। उन्होंने कहा कि रीट की परीक्षा में जिन लोगों ने गड़बड़ की है वे सब अरेस्ट होंगे, उनकी कार्रवाई के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। जो भी कर्मचारी इसमें शामिल होगा उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। देखिए, अभी पंचायत राज के जो चुनाव है उसको लेके आज से नामांकन शुरू हो गया है। 8 तारीख तक नामांकन है। हमारे सभी विधानसभा के अंदर प्रभारी बनाए दिए गए हैं जो लगातार वहाँ पे जा रहे हैं और उन्होंने मीटिंग ली है। बायोडाटाज भी वहाँ से आ गए हैं। अभी आज सभी जितने भी पर्यवेक्षक हैं उनकी आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, हम सब लोग मिलके अभी उसकी मीटिंग ले रहे हैं और उसके बाद आने वाले समय में डिसाइड किया जाएगा कौन पार्टी के लिए वफादार है, पार्टी का जो वर्कर है जिसने पार्टी के लिए काम किया है, जो जिताऊ है उन कैंडिडेटों को अब टिकट दिया जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रीट के अंदर जिन्होंने गड़बड़ की है वो सारे अरेस्ट हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। सरकार ने पहली बार ऐसा सख्त कदम उठाया है कि जो भी सरकारी कर्मचारी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा उसको बर्खास्त किया जाएगा नौकरी से। और जिस प्रकार रीट की परीक्षा हुई आपने देखा होगा, सब जो सरकार का जो मैनेजमेंट रहा है इतना बेस्ट रहा है कि पूरे देश से भी जो लोग आए थे उन लोगों ने भी इस चीज़ को सराहा।